25 दिसंबर सुनते ही सबके दिमाग में आता है क्रिसमस, लेकिन क्या आपको पता है 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह होता है, जिस सप्ताह में गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके चार साहिबजादे, उनकी माता श्री और अनेकों महान सिखों ने शहादत दी थी और वो शहीद हुए थे अपने धर्म के लिए। 20 दिसंबर की बात है, मुगलों ने गुरु गोबिंद सिंह जी को आनंदपुर के किले में घेर लिया और उन्हें ये धमकी दी कि अगर आप ये किला नहीं खाली करोगे तो हम लड़ाई करेंगे और अगर आप खाली कर दोगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। सिखों के समझाने पर 21 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर का किला खाली कर दिया और अपने परिवार सहित सरसा नदी की ओर जाने लगे। अभी वो सरसा नदी पहुंचे ही थे जब मुगलों ने अपना वचन तोड़ते हुए पीछे से हमला कर दिया। सरसा नदी का बहाव इतना तेज था कि गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया। माता गुजर जी और उनके दो छोटे साहिबजादे जी अलग हो गए और वो नदी में बहकर दूर चले गए। 22 दिसंबर की रात को गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 40 सिख और उनके सबसे बड़े दो साहिबजादे चमकौर के किले में जाकर शरण लेते हैं और मुगल वहां पर भी अटैक कर देते हैं और एक के बाद एक सिख शहीद होते जाते हैं और आखिरी में गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सबसे बड़े बेटे अजीत सिंह जी को भी भेज देते हैं, बड़ी बहादुरी से अनेकों मुगलों को मारते हुए युद्ध करते हैं और आखिरी में वो भी शहीद हो जाते हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह जी अपने दूसरे बेटे जुझार सिंह जी को भेज देते हैं, वो भी बहुत देर तक युद्ध करते हैं, अनेकों मुगलों का अंत करते हैं, लेकिन आखिरी में वो भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के कहने पर चमकौर का किला खाली करके एक गांव में चले जाते हैं। 22 दिसंबर को बीबी हरशरण कौर जी सारे सिखों का अंतिम संस्कार करती हैं, ये जानते हुए भी कि मुगलों का आदेश है कि कोई भी उनका अंतिम संस्कार नहीं करेगा और आखिरी में उन्हें भी शहीद होना पड़ता है। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी का एक सर्वेंट माता गुजर और उनके दो साहिबजादों को वजीर खान के पास पकड़वा देता है। दो दिन तक मुगल उन्हें बहुत प्रताड़ित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम अपना धर्म बदल लो, तुम मुस्लिम बन जाओ, लेकिन वो नहीं बनते, वो बिल्कुल भी नहीं डरते और डटे रहते हैं। दो दिन बाद यानी कि 27 तारीख को उन्हें जिंदा दीवान में चुनवा दिया जाता है। ऐसे ही बहादुरी दिखाते दिखाते वो छोटे छोटे साहिबजादे वहीं पर शहीद हो गए और माता गुजर को भी वहीं पर शहीद कर दिया। 28 तारीख को वहां के दीवान टोटल मल ने अपनी सारी दौलत वजीर खान को देकर उनसे ये परमिशन ली कि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। उन्होंने फिर माता गुजर और उन दो छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया। देखिए कितने महान थे ये चार साहिबजादे, इन्होंने हंसते हंसते अपने धर्म के लिए अपनी शहादत दे दी। हमें इन्हें दिसंबर के महीने में जरूर याद करना चाहिए और इन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। धन गुरु नानक।